तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में, और आज मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि आज अपना फ्री फायर पूरी तरह से बंद है। और जैसे ही हम अपने फ्री फायर को ओपन करने के लिए जा रहे, वैसे ही अपना फ्री फायर ओपन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार? घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अपने फ्री फायर के अंदर 1 से 2 महीने में होता रहता है। अब क्यों होता रहता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज है 22 मार्च, और आज 22 मार्च के दिन अपने फ्री फायर के अंदर OB39 का अपडेट आना था, और आज पूरे दिन ये वाला अपना अपडेट चलेगा। और शाम 5 से 6 बजे के बीच में अपन को अपने फ्री फायर का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो आपको फटाफट से अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और अपने ऐप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने ऐप को ओपन करना है, और आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया ओपन करती कमाल की चेंजेस देखने को मिलेंगी। यानी कि ये वाला अपडेट आता है इसलिए कि अपना फ्री फायर पूरी तरह से चेंज हो जाए, और उसके अंदर अपन को काफी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिले, जिससे कि अपन को जो बोरिंग फील हो रही थी अभी तक अपने फ्री फायर के अंदर, वो सॉल्व हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इस प्रकार से अपने फ्री फायर के अंदर जैसे OB39 का अपडेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अपन को सुपर से सुपर चेंजेस देखने को मिलने वाली है। अब चेंजेस कौन कौन सी होने वाली है वो मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ये वाला वीडियो अपना एक बहुत ज्यादा छोटा सा वीडियो, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो बना दी है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको OB39 अपडेट से रिलेटेड इन वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो फिर भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. ओके, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने अपडेट के बाद आने वाली 2 new EVO guns के बारे में। तो इस बार के अपडेट में जो अपन को EVO guns देखने को मिलने वाली है वो है AC-80 और G-18 की धमाकेदार EVO guns। सबसे पहले अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे AC-80 की स्किन के बारे में, तो अपन को कुछ इस प्रकार की AC-80 की EVO gun देखने को मिलेगी। और ये वाली EVO gun तो आपको पता ही होगा कि अपने इंडिया सर्वर या फिर सभी सर्वर के अंदर फेडेड फील्ड के अंदर आती है, तो ये वाली स्किन भी अपन को फेडेड फील्ड के अंदर ही देखने को मिलेगी। और अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे G-18 की EVO gun के बारे में, तो आप इधर G-18 की EVO gun भी देख सकते हो, ये भी यार काफी ज्यादा धमाकेदार EVO gun है, और ये वाली EVO gun भी अपन को अपडेट के तुरंत बाद में देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे अपडेट के बाद में चेंज होने वाले अपने EVO सेक्शन के बारे में, तो अपडेट के बाद में अपन को कुछ इस प्रकार का EVO सेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि आज के टाइम में अपन को डिफरेंट EVO सेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन अपडेट के बाद में अपन को कुछ इस प्रकार का EVO सेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला सेक्शन भी अपना चेंज हो जाएगा। EVO सेक्शन के साथ में फ्री फायर वालों ने अपने करेक्टर सेक्शन को भी काफी हद तक चेंज कर दिया है। अब अपने अपडेट के बाद में जो अपन को करेक्टर सेक्शन देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, और ये वाला करेक्टर सेक्शन सच में यार कमाल का सेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर अपन को कमाल के फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इधर आप यहाँ पर पूरा करेक्टर सेक्शन देख सकते हो, इसी के अंदर ही अपन को पेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, स्किल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसी के साथ में इसके अंदर आप यहाँ पर तरह तरह की प्रीसेट वगैरह भी बिल्ड कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो। अगर आप यहाँ पर CS रैंक खेलते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर अलग से एक प्रीसेट रख सकते हो, अगर आप BR रैंक खेलते हो तो उसके लिए आप एक अलग से प्रीसेट रख सकते हो। करेक्टर सेक्शन के साथ में अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे अपने फ्री फायर के अंदर आने वाले न्यू करेक्टर के बारे में, तो इस बार अपन को अपने फ्री फायर के अंदर ओरियन करके कोई एक नया करेक्टर देखने को मिलने वाला है। अब इसका जितना ज्यादा अजीब नाम है उससे भी कहीं ज्यादा इसकी स्किल भी अजीब है। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे इसकी स्किल के बारे में, तो वैसे मैंने इस वाले करेक्टर को लेकर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी स्किल के बारे में बता देता हूं, तो इस करेक्टर की स्किल तभी काम करेगी जब आपके पास 150 EP हो, यानी कि अगर आपके पास 150 EP नहीं है तो आपकी जो करेक्टर की स्किल है वो ऑफ रहेगी, और जैसे ही आपके पास 150 EP हो जाती है उसके बाद में आपकी जो करेक्टर की स्किल है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने करेक्टर को गायब कर सकते हो, बबंडर में बदल सकते हो, और जैसे ये वाला करेक्टर बबंडर में बदल जाएगा ठीक वैसे ही आपके पास कोई एनिमी आता है तो उसको डैमेज जाएगा, और जितना डैमेज उसको जाएगा उसकी उतनी HP आपको मिल जाएगी। उसी के साथ में अगर अपने पर बात करेंगे और करेक्टर चेंजेस के बारे में, तो इस बार का जो जय करेक्टर है, मतलब यहाँ पर बात करेंगे अभी के टाइम में अपना जो जय करेक्टर है वो अपन को स्टोर सेक्शन के अंदर नहीं दिखता है, लेकिन अपडेट के बाद में अपना जो जय करेक्टर है उसको भी बैक किया जा रहा है, यानी कि फिर आप यहाँ पर अपने स्टोर सेक्शन से जय करेक्टर को भी परचेस कर पाओगे। और उसी के साथ में जो जय करेक्टर की स्किल है जैसा उसका लुक है सेम टू सेम अपन को वैसा ही देखने को मिलेगा। जय करेक्टर के साथ साथ में जो अपना अलवारो करेक्टर है उसको भी फ्री फायर वालों ने काफी हद तक चेंज कर दिया है, और उसकी स्किल को भी काफी हद तक इम्प्रूव कर दिया है। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे अपडेट के बाद में आने वाले अलवारो करेक्टर के बारे में, तो अपडेट के बाद में अपन को यहाँ पर अलवारो करेक्टर का अवेकनिंग करेक्टर भी देखने को मिलेगा, और उसमें अपन को बहुत ही बढ़िया स्किल भी देखने को मिलेगी। उसी के साथ में एडम करेक्टर को लेकर भी अपने फ्री फायर वालों ने काफी बड़ा चेंज दिया है। अब क्या है कि अभी अपन यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाएंगे तो अपन को सिर्फ एक ही एडम देखने को मिलता है, लेकिन अपडेट के बाद में अपन को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर 2 एडम देखने को मिलेंगे। इनमें से एक एडम कभी भी नहीं मरता है, आप इसको चाहे जितना डैमेज दे दो वो एडम कभी भी नहीं मरेगा, लेकिन इनमें से एक ऐसा एडम होगा जिसको अगर आप यहाँ पर एक फिक्स डैमेज दोगे तो ये वाला एडम बड़ी इजी तरीके से मर जाएगा। उसी के साथ में अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे मैप चेंजेस के बारे में, तो इस बार अपने मैप के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे मैप्स के बारे में, तो जो अपना रैंक मोड है CS रैंक मोड है उसके अंदर फ्री फायर वालों ने 6 के 6 पूरे मैप को ऐड किया, यानी कि अपडेट के बाद में आप यहाँ पर कालाहारी के साथ साथ में सारे मैप्स को खेल पाओगे, और उनके अंदर आप यहाँ पर रैंक को भी प्ले कर पाओगे। उसी के साथ में जो अपना कालाहारी मैप है वो भी यार बैक आ सकता है, क्योंकि एडवांस सर्वर के अंदर कालाहारी मैप को दिखाया गया था। तो इस प्रकार से मैप्स को भी लेकर काफी बड़ा चेंज आया है। लेकिन अगर
अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़े चेंज के बारे में, तो अपने मैप के अंदर जो वेंडिंग मशीन है उसके अंदर सुपर रिवाइवल कार्ड करके एक यहाँ पर कार्ड आने वाला है। अभी वाला कार्ड क्या हुआ कि अगर आपका यहाँ पर फ्रेंड आपको इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर बात करेंगे तो रिवाइव करेगा, तो आपको डायरेक्ट एक यूएमपी मिल जाएगी, यानी कि आपको अभी G18 मिलती है, लेकिन अपडेट के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर सुपर रिवाइवल कार्ड से रिवाइव हो गए तो आपके हाथों में आपको यहाँ पर एक यूएमपी दी जाएगी। उसी के साथ में जो अपनी ग्लू बॉल होती है उसको भी फ्री फायर वालों ने यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो रिमूव कर दिया है। अभी के टाइम में क्या है कि अपन ग्लू बॉल को यहाँ पर लूटते हैं, उसकी लूट करते हैं और अपन को गली गली मिल जाती है, लेकिन अपडेट के बाद से यहाँ पर बात करेंगे तो ग्लू बॉल अपन को पूरे मैप में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या होगा कि फ्री फायर वाले अपन को ऑटोमेटिकली पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर मतलब बात करेंगे तो ग्लू बॉल को बना बना कर देंगे, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से जो अपना ग्लू बॉल का जो सेक्शन होगा वो हो जाएगा। इस मदद से अपन को यहाँ पर बात करेंगे तो ग्लू बॉल फ्री की मिलती रहेगी। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे अपने फ्री फायर के अंदर आने वाले न्यू ऑप्शंस के बारे में, तो इस बार अपन को एक नेटवर्क सेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि एक नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका काफी ज्यादा पिंग हाई जाता है, आपको लेट डैमेज आता है, यानी कि आपने आज एनिमी को डैमेज दे दिया है, तो वो आपको कल परसों तक डैमेज आ रहा है, ऐसे में आप यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग को अच्छा कर सकते हो, आप अपने डैमेज को सुधार सकते हो। अगर आपका डैमेज ठीक नहीं जा रहा है, आपने अपने एनिमी को पक्का डैमेज दिया था लेकिन फिर भी यार एनिमी नहीं मरा है, तो ऐसे में आप अपनी नेटवर्क सेटिंग को भी ठीक कर सकते हो जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसी के साथ में एक रिकॉर्डिंग सेक्शन करके भी एक सेक्शन आने वाला है। अगर आप अपने गेम प्ले को रीप्ले मोड में रिकॉर्ड करते हो तो आप इस वाली सेटिंग को जरूर यूज कर लेना। इसमें आप यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया ग्राफिक यूज कर पाओगे, साउंड रिकॉर्डिंग को ऑफ कर पाओगे, ऑन कर पाओगे और उसी के साथ में आप यहाँ पर लॉबी रिकॉर्डिंग को भी ऑन ऑफ कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको सारे फीचर्स वगैरह अपने जो रीप्ले मोड के होते हैं वो आपको इस वाली सेटिंग के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो इस प्रकार के अपने फ्री फायर के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है। अगर आपने ये वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी के अभी इन वाले वीडियो को देख लो। इन वाले वीडियो में आपको OB39 अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाले वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वाले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.